इस रोड की गिनती वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड में होती है और वहां तो बस में बैठी हुई सारी सवारियों की हार्ट बीट ही बढ़ जा रही थी। ट्रक ड्राइवर को इतना जोखिम लेते हुए देख हमारे जो बस के ड्राइवर हैं उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे ये ट्रक है ना वहीं पे रहने दे, इससे आगे मत हिलना, मैं बस को कैसे ना कैसे इधर से निकाल ही लेता हूँ। तो हिमाचल की ये खतरनाक सड़कें और ऊपर से HRTC बसों का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही यूनिक है। तो आज सुबह मियाड़ वैली से 6:30 बजे चलने के बाद मैं 10:30 बजे यहाँ उदयपुर बस स्टैंड पर पहुँच गया था और अब यहाँ से मुझे किल्लाड़ या फिर यूँ कह लीजिए कि पांगी वैली की तरफ जाना है जो कि चंबा में है, और वहाँ तक जाने के लिए एक ही बस जाती है जो कि सुबह 5:30 बजे कुल्लू से चलते हुए मनाली केलोंग उदयपुर से होते हुए 4:30 बजे किल्लाड़ पहुँचती है। तो वो बस यहाँ उदयपुर में 11:30 बजे तक पहुँच जाती है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था तो ऐसे में अभी मेरे पास 1 घंटे का समय है, तो बस स्टैंड के साथ ही एक छोटा सा ये ढाबा है वहाँ पर मैंने 2 परांठे और 1 चाय ली, जिसमें 1 परांठे की कीमत 40 रुपये थी जबकि चाय की कीमत 10 रुपये थी। 11:30 बजे पता चलता है कि वो बस मनाली में जाम लगने की वजह से आज यहाँ पर 2 घंटे लेट पहुँचेगी, और उसके साथ साथ ये भी खबर मिलती है कि उस बस में आज कोई सीट है ही नहीं। तो सीधा सा मतलब ये था कि आज का मेरा जो सफ़र है 5 से 6 घंटों का वो मुझे खड़े होके ही जाना पड़ेगा, और इसके अलावा अभी 2 घंटे का इंतज़ार भी करना पड़ेगा जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो उन 2 घंटों को पूरा करने के लिए मैं यूं ही टहलता उदयपुर की मार्केट में आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किल्लाड़ की तरफ जाते हैं तो उदयपुर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ATM बैंक से रिलेटेड जो है वो फैसिलिटी मिल जाएंगी। अगर आपको कैश वगैरह की ज़रूरत है तो उदयपुर से ही निकाल लीजिए, बाकी रास्ते में आपको कोई भी रेस्टोरेंट ढाबा या ATM वगैरह फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो उदयपुर में घूमते घूमते मुझे काफ़ी समय हो चुका था, अब मुझे बस स्टैंड की तरफ भी चलना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा लाइट सा खाना खा लिया जाए ताकि रास्ते में मुझे भूख ना लगे। तो ऐसे में मैंने एक बड़ी ही फेमस चीज़ सुनी थी, आज तक सिर्फ नाम सुना था कभी खाई नहीं थी, जिसका नाम है सिड्डू। तो एक दुकान पे वो बन रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको टेस्ट कर लिया जाए। वैसे मुझे खाने पीने का कोई इतना खास शौक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि नई जगह आए हैं तो फिर कुछ नई रेसिपी ही ट्राई की जाए। वैसे सिड्डू के बारे में मैंने पढ़ा था और सुना भी था कि इनको घी के साथ खाते हैं, लेकिन इस दुकान में कुछ ऐसी सर्विस थी नहीं, ऐसे में मुझे चटनी और ये सॉस के साथ इन सिड्डू को खाना पड़ा, और ये अखरोट वाले सिड्डू थे। लेकिन ये कहूँगा कि मैंने पहली बार ही ये सिड्डू खाए हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कुछ खास रहा नहीं। हो सकता है जब घी के साथ इनको खाते होंगे तब इनका टेस्ट अच्छा होता होगा। और इसके अलावा और कौन कौन से सिड्डू होते हैं, जैसे ये तो अखरोट का हो गया, और कौन कौन सी चीजों का होता है? सिड्डू सब्जी का भी होता है, सब कुछ। अच्छा। जैसे जैसे अपना दाल का हो गया, हाँ, जैसे जैसे अपना खाने का इच्छा वैसे होता है। अच्छा, तो वैसे फेमस कौन सा होता है? अखरोट और ड्राई फ्रूट का बनता है सब कुछ। अच्छा, और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए भी होता है सिड्डू? उनके लिए, उनमें क्या चिकन वगैरह डालते हैं? उसमें नॉन वेज में चर्बी डालते हैं। अच्छा, सब्जी हो गया वो मिक्स करके। अच्छा, तो सिड्डू ट्राई करने के बाद जब मैं बस स्टैंड गया था तो 1:30 बजे ये बस वहाँ पर आ गई थी। आधा घंटा वहाँ पर रुकने के बाद 2 बजे इस बस ने किल्लाड़ की तरफ चलना शुरू कर दिया था। अब इस सफ़र के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो मुझे लगता है कि आपको भी पता होनी चाहिए अगर आप इस रूट पर चलते हैं। तो देखिए, उदयपुर से जो किल्लाड़ तक का डिस्टेंस है वो है 74 किलोमीटर, और इस बस में उसका किराया 190 रुपये है। इसके अलावा इस बस की आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। जब मैं इस टूर पे था तब मैंने HRTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम ये बस वहाँ पर तो सर्च में नहीं आती है, लेकिन अगर आप अभी बस और रेड बस वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर कुल्लू टू किल्लाड़ सर्च करेंगे तब ये बस आपको देखने को मिल जाएगी, और वहाँ से आप इस बस की बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इसमें आपको डायरेक्ट कुल्लू से ही बुकिंग करवानी पड़ेगी, बैठने को तो आप फिर रास्ते में कहीं पर भी बैठ जाइए। और इन दोनों ही वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप यहां पर साइन अप कर सकते हैं। इस बस में सीट तो थी नहीं, तो आज मैंने जो बस के कंडक्टर हैं हितेश जी, उन्हीं के साथ सीट शेयर की। उन्होंने कहा कि आधी सीट पे आप बैठ जाइए, आधी पे मैं बैठ जाता हूँ, और इसी तरीके से हम दोनों ने एडजस्ट कर लिया था। तो अभी ये बस तांडी किश्तवाड़ रोड पर चल रही है, और इस रोड पर चलते चलते हम तिंडी, शौर और पुर्थी जैसे कुछ गाँव से गुजरते हुए किल्लाड़ तक पहुँचेंगे। और ये जो तांडी किश्तवाड़ रोड है इसकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड के अंदर होती है,
और इस रोड को क्लिफहैंगर के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड पर किल्लाड़ से आगे तो मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं या गूगल किया है तो उस पे ये पता चला कि इस रोड का असली रोमांच तो किल्लाड़ के बाद ही शुरू होता है, और कुछ पॉइंट तो इतने खतरनाक हैं कि सचमुच में ही घबराहट पैदा कर देते हैं। लेकिन केलोंग से जो किल्लाड़ तक का सफ़र है वो भी अपने आप में रोमांच से भरा हुआ है, और इस पूरे रास्ते में आपको लगभग 30% हिस्सा ऐसा होगा जिस पे तारकोल बिछा होगा। इसके अलावा 70% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें, रेत और एक मुलायम मिट्टी की परत बिछी होगी। बहुत सारी जगह पर ये रोड बहुत ही नैरो है, और ऐसे में अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है या फिर चाहे छोटी भी आ जाती है तो उस गाड़ी को पास देने के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। रास्ते में हमें ये दूसरी बस मिल गई है जो कि सुबह किल्लाड़ से 9 बजे चलती है और ये शिमला तक जाती है, और यहाँ पर हमारी बस के ड्राइवर मना कर रहे थे कि यहाँ पर पास नहीं होगा, जबकि दूसरे ड्राइवर थे जो कि अपनी मन की बना बैठे थे कि मुझे पास यहीं से ही लेना है। यहाँ से बस के दूसरी तरफ की खाई तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन वैसे ही बता देता हूँ कि एक बहुत गहरी खाई है। जो ये नाला है वो भी बहुत गहरा है जो कि चंद्रभागा नदी में मिलता है, और ऐसे में अगर बस का टायर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो आगे आप खुद ही समझ सकते हैं। ये दोनों बसें एक ऐसी जगह पर फंस चुकी थी जहां एक तरफ गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़ों से गिरे हुए पत्थर थे, जिनकी वजह से सड़क पर कोई ज्यादा स्पेस नहीं था। तो इस खींचतान में लगभग 10 से 15 मिनट बीत गए और उसके बाद ये दोनों बसें यहाँ से निकल पाईं। इस पूरे रास्ते में चंद्रभागा नदी आपके साथ साथ ही चलती रहती है, और इस तरीके के ग्लेशियर आपको जगह जगह देखने को मिलते रहेंगे। अभी उस बस को पास दिए हुए आधा घंटा ही हुआ था कि आगे हमें फिर से दो ट्रक मिल जाते हैं, और वहां तो बस में बैठी हुई सारी सवारियों की हार्ट बीट ही बढ़ जा रही थी। ट्रक ड्राइवर को इतना जोखिम लेते हुए देख हमारे जो बस के ड्राइवर हैं उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे ये ट्रक है ना वहीं पे रहने दे, इससे आगे मत हिलना, मैं बस को कैसे ना कैसे इधर से निकाल ही लेता हूँ। खिलाड़ी है वो ये पक्का बंदा है तेरा। अच्छा, तो जिन दो ट्रकों की मैं बात कर रहा था उनमें से ये दूसरे वाला है। इस ट्रक के ड्राइवर जो हैं इन्होंने तो फिर भी कुछ पत्थर जो हैं वो साइड में कर दिए ताकि ट्रक के लिए थोड़ी सी जगह बना पाएं, लेकिन जो पहले ट्रक के ड्राइवर थे वो तो बिल्कुल ही खतरों के खिलाड़ी थे। वो तो ऐसा लग रहा था कि मानो हवा में से ही ट्रक को निकाल कर ले जाएंगे। तो अभी एक ट्रक से तो निकल गए, अब देखते हैं कि इस ट्रक से कैसे निकल पाते हैं। <laughs>
यहाँ पर देखने से एक चीज़ का तो पता चल जाता है कि देखिए जो एक इंच भी जगह है ना उसकी वैल्यू क्या है, वो ये तो ट्रक के ड्राइवर बता सकते हैं या फिर ये बस के ड्राइवर बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी सड़क है उसकी छोटी सी छोटी जगह को भी यूज़ किया जा रहा है। सीधा कर ला बना रे दोस्तों। कैप्चर इंडिया पे मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए एक साफ़ सुथरा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आऊँ। तो ऐसे में अगर आपको ये मेरे द्वारा किए गए प्रयास अच्छे लग रहे हैं और मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो में एक छोटा सा कमेंट भी किया करें। इसके अलावा जो लोग कैप्चर इंडिया पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी ये सारी छोटी छोटी बातें YouTube एल्गोरिथम को ये समझाती हैं कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए और इस तरीके से आप कैप्चर इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो कुछ इस तरीके के खतरनाक मोमेंट आपको इस सफ़र में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये सफ़र आपको हमेशा याद रहता है। तो उदयपुर से 20 किलोमीटर चलने के बाद अब जाके यहाँ पर पक्का रोड दिखाई दिया है और किलाड़ यहाँ से अभी भी 55 किलोमीटर दूर था। सामने की तरफ आपको जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं ये तिंडी विलेज है और 22 किलोमीटर ऐसे रूखे सूखे पहाड़ देखने के बाद अभी ये हरे भरे पहाड़ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर की तरफ पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई थी, बीच में देवदार के पेड़ और बिल्कुल ठीक नीचे चंद्रभागा नदी इस सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बना रही थी। और अभी ये बस मेन रोड को छोड़ते हुए इस नीचे वाले रोड पे जो आपको नीचे पुल दिखाई दे रहा है उससे होते हुए सामने जो तिंडी विलेज है वहां तक जाएगी और फिर से वापस होते हुए इस मेन रोड पर मिलेगी। आपको बताना चाहता हूं कि इस रूट पर मैं दूसरी बार जा रहा हूं। पिछले साल भी मैं किल्लाड़ से मनाली तक तिंडी से होते हुए गया था। तो जब भी तिंडी नाम सुनता हूँ एक बड़ा छोटा सा और क्यूट सा नाम लगता है। तो अगर आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जो तिंडी गांव के रहने वाले हैं या ऑलरेडी तिंडी गांव घूम चुके हैं तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर और कौन कौन सी जगहें हैं जो कि घूमने लायक हैं। जैसे ही हमने तिंडी गांव क्रॉस किया उसके बाद रोड और भी ख़तरनाक होते जा रहे थे और इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। चट्टानों को काटकर बनाए हुए ये रास्ते बेहद ही खतरनाक थे और इसके साथ साथ जो चंद्रभागा और सड़क के बीच की दूरी थी वो और भी बढ़ती जा रही थी। इस सफर में आपको इस तरह के छोटे छोटे नाले और वाटरफॉल आपको हर मोड़ पर दिखाई देते रहेंगे। बस में बैठी सवारियों और टूरिस्ट के लिए ये नदी नाले और वाटरफॉल देखने में जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी जो कि सड़क का निर्माण कार्य करते हैं उनके लिए यहाँ पर काम करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। जरा सा भी कोई नदी नाला टूट जाए तो उसको तुरंत ठीक करना अपने आप में ही एक चुनौतीपूर्ण काम है। और सामने की तरफ देखिए वाटरफॉल की लाइन सी लग गई है ऊपर से नीचे तक, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तिंडी से आगे कुछ किलोमीटर कच्चा रोड था और उसके बाद अभी फिर से पक्का रोड शुरू हो गया है। तो इस तरह से पूरे रास्ते में कच्चा और पक्का रोड चलता रहता है।
और यहाँ पर हितेश भाई जो कि इस बस के कंडक्टर हैं वो मुझे बताते हैं कि पिछले साल यहाँ पर एक पूरा टाइल से भरा हुआ ट्रक जा रहा था और उसके ऊपर एक बड़ी चट्टान गिर जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया था। अच्छा टाइल नहीं है इससे। तो इस रोड पर एक तरफ तो ये गहरी खाई है और दूसरी तरफ चट्टानों से भरे हुए पहाड़ हैं और उनसे चट्टाने गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है और अगर कहीं मौसम ऐसा हो जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा हो तो वही खतरा दोगुना हो जाता है। पिछले साल जब मैं किल्लाड़ से मनाली जा रहा था तो ये वाला व्यू तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जब मैं किल्लाड़ की तरफ जा रहा हूँ और ये बिल्कुल खड़े पहाड़ जो कि नीचे नदी में मिल रहे हैं बेहद ही खूबसूरत और ख़तरनाक दिखाई दे रहे थे। केलोंग से दारचा वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि बसों में सफ़र करने के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और वो फ़ायदे क्या हैं वो ये हैं कि जो व्यू अभी मैं इस बस में बैठकर एंजॉय कर पा रहा हूँ वो छोटी गाड़ियों में बैठकर मैं शायद कभी भी एंजॉय नहीं कर पाता। छोटी गाड़ियों में आप सामने का व्यू तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये ऊंचाई से नीचे की तरफ का जो व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ HRTC बसों में ही आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हिमाचल की ये खतरनाक सड़कें और ऊपर से HRTC बसों का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही यूनिक है। तिंडी से लगभग 35 किलोमीटर चलने के बाद ये नाला मिलता है और इस नाले का नाम कड़ू नाला है और ये चंबा और लाहौल का बॉर्डर भी है। इसके दूसरी तरफ अब चंबा शुरू हो जाता है और इसके 6 किलोमीटर बाद शौर भी ले जाएगा जो कि यहाँ से चंबा का पहला गांव है। किल्लाड़ की दूरी यहाँ से अभी भी 39 किलोमीटर थी और किश्तवाड़ यहाँ से 154 किलोमीटर दूर है और वहीं जम्मू की दूरी यहाँ से 377 किलोमीटर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल इस रोड में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, जैसे कि बहुत सारी जगह पे जहां ये रोड पहले कच्चा हुआ करता था अभी ये रोड पक्का हो चुका है। इसके अलावा काफ़ी सारी जगहें ऐसे पॉइंट थे वो जो कि बहुत तंग थे और वो पॉइंट अभी काफ़ी खुले कर दिए गए हैं और ऐसे में मेरे ख्याल से एक साल बाद इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी होगी। तो तिंडी से 40 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग यहाँ शौर विलेज में पहुँच जाते हैं और ये कहें कि तिंडी के बाद अब जाके ही थोड़े बहुत इंसान और उनके पालतू पशु देखने को मिले हैं, अदरवाइज़ पूरा रोड सुनसान था। पिछले साल के सफ़र में और आज के सफ़र में फ़र्क सिर्फ ये था कि पिछले साल जहाँ ग्रीनरी कम थी और डस्ट बहुत ज़्यादा थी, अभी जून के महीने में डस्ट कम है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। डस्ट आज भी है लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी बहुत कम थी, इसलिए जब भी इस सफ़र पे आएँ तो अपने साथ एक मास्क ज़रूर लेके चलें। तो इन छोटे छोटे पुलों को क्रॉस करते हुए और इधर उधर के व्यू एंजॉय करते हुए लगभग 7 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं किल्लाड़ बस स्टैंड पर और हितेश भाई अपनी सीट मेरे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीट शायद अगर मुझे नहीं मिलती तो ये वीडियो भी नहीं बन पाता। पिछले साल किल्लाड़ में सुराल भटोरी जब मैं गया था तब वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिला था, तो कल सुराल भटोरी जाके कोशिश करूंगा कि उन लोगों को ढूंढ पाऊं और उनसे फिर से मिल पाऊं। तो आपको किल्लाड़ की सबसे खूबसूरत जगह सुराल भटोरी लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे सुराल भटोरी में बनाए हुए वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इन लोगों के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। इन वीडियो में मैंने वहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में जाना है और इसके साथ साथ इनका जो रहन सहन है और वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताया हुआ है, और इसके साथ साथ साच पास होते हुए फिर चंबा तक जाऊंगा, तो उन वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। अभी के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।